मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के दौरान खान विभाग की दो अलग अलग टीमों की ओर से तिजवारा के पास हसनपुरा माफी और डीग के पास पहाड़ी क्षेत्र के सुजात का खोला में एक की गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तिजारा के पास हसनपुरा माफी और डीग के पास पहाड़ी क्षेत्र के सुजात का खोला में अवैध खनन पर खान विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। खान विभाग की दो अलग अलग टीमों ने मैसेनरी स्टोन के 4,93,170 टन से ज्यादा का अवैध खनन पकड़ा है। विभाग ने नियम के अनुसार सब मिलाकर 21,13,00,000 से भी ज्यादा की शास्ति लगाई है। खान सचिव आनंदी ने बताया है कि पहले गोपनीय तरीके से जयपुर SME प्रताप मीणा को टीम बनाकर पहले अलवर पहुंचने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रताप मीणा और उनकी टीम के सदस्य ME जयपुर श्री कृष्ण शर्मा, ME विजिलेंस पुष्पेंद्र सिंह मीणा की टीम को खैरथल तिजारा के पास हसनपुरा माफी इलाके में अवैध खनन की जाँच के लिए भेजा गया। इस दौरान प्रताप मीणा और उनकी टीम ने खनन पट्टों के गैप क्षेत्र में 6 प्रकरणों में चेजा पत्थर का 2,01,000 टन अवैध खनन पाया गया। इसके बाद टीम ने पूरी जांच कर अवैध खनन की 8,87,00,000 की शास्ति लगाई। इसी तरह से पहाड़ी डीग के सुजात के खोला में अवैध खनन की शिकायत की जांच में ME रामनिवास मंगल और उनकी टीम ने अवैध खनन के 7 प्रकरण दर्ज करते हुए भारी मात्रा में अवैध खनन को पकड़ा है और मैसेनरी स्टोन का 2,92,170 टन अवैध खनन पाया गया है। इस पर विभाग के नियम के अनुसार 12,26,00,000 रुपए की शास्ति लगाई गई है। वहीं इससे पहले नागौर के मुंडवा के पास सिलिकॉन सैंड के अवैध खनन की अजमेर SME PR आमेटा से औचक निरीक्षण करवाया गया। इसके बाद लीज जारी होने से पहले ही अवैध खनन के बड़े मामले का भंडाफोड़ कर दिया। राज्यव्यापी अभियान के तहत समूचे प्रदेश में कार्रवाई जारी है। विभाग की ओर से जहां ME AME की संयुक्त जांच अभियान के तहत जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं राज्य सरकार द्वारा SME स्तर के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करते हुए खनन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा नियमित रूप से अभियान प्रगति की समीक्षा की जा रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर 24 घंटे में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही DMG डॉक्टर प्रज्ञा केवलर मानी द्वारा मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। साथ ही अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस योगेंद्र सिंह महवाल और नियंत्रण कक्ष प्रभारी SME SP शर्मा द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।